हथकड़ी में हलाकत का मामला है। फवाद चौधरी भी बोल पड़े, शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर। फवाद चौधरी का तंस, कहा आप ताकतवर और अमीर हैं, आपके लिए शानदार बंगले को जेल करार दिया जाएगा, गरीब को मौत के बाद भी हथकड़ी लगेगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, इस बारे में मजीद बताएंगे लियाकत अंसारी। बताइए लियाकत अंसारी। अच्छा बिल्कुल, जो हथकड़ी में हलाकत का मामला पेश आया था मियां जवेद की, उसके हवाले से वफाकी वज़ीर क़लास फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और ये तंज पर मबनी ट्वीट है जिसमें माशरे का जो पहलू है उसकी अकासी की गई है। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर भी इसमें तंज किया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली को भी इस हवाले से जो है नाम लिए बगैर तंज का निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि अगर आप ताकतवर हैं और अमीर हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं, अमीर तबके के लिए जमहूरियत के वसी तक मुफाद में शानदार बंगले को सब जेल करार दिया जाएगा और बंगले के सामने ग्रीन बेल्ट को सिक्योरिटी के नाम पर बंगले में शामिल करने की सहूलत भी दी जाएगी और फिर उस आदमी को यह भी हक दिया जाएगा कि वो हुकूमत का ऑडिट करे, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से शहबाज शरीफ ऑडिट करेंगे। मगर साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपकी रूह को भी कैद करके हथकड़ी लगेगी और नुमाइश को लाश को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा ताकि लोग इबरत पकड़ सकें। इस तस्वीर में बुनियादी तौर पर उनका शहबाज शरीफ पर तंज नजर आता है और स्पीकर कौमी असम्बली पर तंज नजर आता है जिन्होंने शहबाज शरीफ को उनके लिए उनके हैसियत को सब जेल करार दिया, वज़रा कानूनी में उनको बंगला लॉट किया और फिर एक गरीब की हलाकत जो हथकड़ी में उसकी लगी तस्वीर सामने आई है उस पर वो मातम कदा है कि ये अपडेट करने के लिए।